प्यारे बच्चों नमस्ते। पिछली कक्षा में हम लोगों ने दीपावली पाठ पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने कौन सी मात्रा पढ़ी? दीर्घ ई की मात्रा। तो बच्चों, आज मैं दीर्घ ई मात्रा वाले कुछ शब्दों को आपको बोलना सिखाऊंगी, उसका उच्चारण हम कैसे करेंगे। जैसा कि सामने आप कुछ चित्र देख रहे हैं, इन सभी चित्रों के नाम में दीर्घ ई मात्रा का प्रयोग हुआ है। पहला चित्र कील, बाई तरफ से हम आएंगे। पहला चित्र क्या बना हुआ है? कील। इसे कैसे पढ़ेंगे? क दीर्घ ईकार ल कील, नीचे कील के नीचे घरी, घ अर दीर्घ ईकार घरी, घरी के नीचे तीर, त दीर्घ ईकार र। बच्चों आप ध्यान दे रहे होंगे कि जब मैं शब्द बोल रही हूँ तो यहाँ ई बोलने में समय क्या हो रहा है? अधिक लग रहा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ह्रस्वई मात्रा के उच्चारण में कम समय लगता है और दीर्घ ई मात्रा के उच्चारण में समय अधिक लगता है। तो यहाँ देखिए, अब हम आगे के शब्द को बोल कर देखें क्या बना हुआ है। दीपक, इसे कैसे पढ़ेंगे? द दीर्घ ईकार प क दीपक, दीपक के नीचे मछली, म छ ल दीर्घ ईकार मछली। ठीक है, अब और कुछ शब्दों का उच्चारण कर लें। दीवार, द दीर्घ ईकार व आकार र दीवार। नाशपाती, न आकार तालव्य श प आकार त दीर्घ ईकार नाशपाती। नाशपाती के नीचे शीशा, तालव्य श दीर्घ ईकार तालव्य श आकार, क्या बन जाएगा शब्द? शीशा। चूंकि यहाँ तालव्य श का प्रयोग हुआ है तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? श। अब नीचे जीव, ज दीर्घ ईकार भ जीव। सीढ़ी, दंत स दीर्घ ईकार ढ दीर्घ ईकार, दोनों में ही दीर्घ ई की मात्रा का प्रयोग है तो हम पढ़ेंगे इसे सीढ़ी। ठीक है बच्चों, और भी कुछ शब्द बता दूं मैं। ककड़ी, क क अर दीर्घ ईकार ककड़ी, उससे मिलता जुलता शब्द है मकड़ी, म क अर दीर्घ ईकार मकड़ी। लकड़ी, ल क अर दीर्घ ईकार। तो बच्चों एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए, ककड़ी मकड़ी लकड़ी, इन शब्दों का प्रयोग जब हमें अगर मकड़ी शब्द का समान लय वाला शब्द लिखने दिया जाए या ककड़ी लकड़ी, तो यहाँ ये शब्द काम आ सकते हैं। तीनों ही शब्द क्या है? समान लय में है। कौन कौन से शब्द? ककड़ी मकड़ी लकड़ी। वैसे ही नीचे आ जाइए, ठीक वैसा ही शब्द है काली थाली ताली, तीनों में ही दीर्घ ई की मात्रा है और ये एक लय में बोले जा रहे हैं, तो इन्हें हम समान लय के शब्दों में इसका प्रयोग कर पाएंगे। तो इसे पढ़ेंगे कैसे? क आकार ल दीर्घ ईकार काली, त आकार ल दीर्घ ईकार ताली, थ आकार ल दीर्घ ईकार थाली। तो बच्चों आज मैंने आप लोगों को बड़ी ई अर्थात दीर्घ ई मात्रा का उच्चारण करना बताया। आशा है आप लोग ज़रूर इसे समझ गए होंगे। अगर कोई आपको परेशानी हो तो आप मुझसे
पूछ लीजिएगा। अगली पढ़ाई अगली कक्षा में होगी, आगे की पढ़ाई। तब तक के लिए धन्यवाद।